वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जिन्हां दी इस स्थान ते आमन दे आगमन पूर्व वजों अज महान नगर कीर्तन जिहड़ा उहदी प्रारंभ कर इस आगमन पूर्व ते मैं समुचियां सिख संगतां नूं ते खास करके बहादुरगढ़ दे सारिआं वसनीकां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। कामना भी करदा सतगुरु जी तुसीं जग दे लंगर नूं पारन वाले गुर शब्द नाल सारिआं नूं जोड़ के इस धरती दे उत्ते आप जी का वड्डा बलिदान ते इस समुची भारत की जिन्नी भी लुकाई सी इन्हां नूं आप जी ने उस वेले मनुखता की लड़ी दे विच परोया। सो सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। दूसरा अज आए नहीं बहुत वधिया एक उद्दम उपराला किया नवाब सैफ खां। देखो भी गुर ते आ सतगुरु जी ने किदां प्रगट किया चाहे कोई दूसरे धर्मां दे नाल जिहड़े संबंध रखते सी उन्हां नूं भी बरूबर का सत्कार सिख पंथ अज लगातार निरंतर दे रहे ते इह जिहड़ा हाल आ इस हाल का नाम भी उन्हां दे सवा नवाब साहब खां दे नाम दे उत्ते और वातावरण नूं समर्पित जिहड़ा अज उद्घाटन किया गया। और मैं समझना इदां दे हाल बहुत घट आ ये गुरु साहब जी ने कृपा ते बाकी करके अपने उस नवाब नूं जिहड़ा गुरु साहब जी का बहुत वड्डा श्रद्धालु सीगा उन्हूं समर्पित यह पंथ ने अज किया। सो ये भी बहुत बहुत बधाई देना ते गुरु चरणा च अरदास भी करना जो लोहा तरे सन काष्ट लाग शब्द गुरु हर पावे गो। सतगुरु जी कहिंदे जिदा लोहा लकड़ ना तर जांदा गुरु का सिख शब्द दे नाल जुड़ जाए ते सतगुरु जी कहिंदे मैं उहनूं अपने बुक्के विच लै लैणा। अज लोड़ आ समय दी कि आपां मनुखां दा आसरा छड्ड के शब्द गुर शब्द गुरु पातशाह ने सानूं जिहड़ा एक ओंकार तों लैके 18-20 सतगुरु जी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सिखां दे समुची लकाई नूं बख्शिश कीता गुरु साहिब कृपा करन सारे इस गुरु सिद्धांत ते पैरा दईए बहुत बहुत धन्नवाद। असीं तां अगे भी पिछे उहनां दा परसों भी उहनां दे मैसेज दे नाल इस पक्ष ते गल कीती सी पर मैं समझदा पाकिस्तान दी सरकार नूं इह मिनोरिटी दी जिहड़ी उसे सुरक्षा आ क्योंकि थोड़े सिख ने वह जी उन्होंने सुरक्षा जी उन्होंने यकीनी बनानी चाहिए। तो भारत सरकार को मैं बेनती करता कि तुम भी उन्होंने उत्ते कोई चैक लाओ ता कि हौली हौली करके जो कारोबारी सिख रेंदे आ पेशावर के जो जाने गुरपुरब मना के उत्तर मिलते आके उन्होंने सुरक्षा बिल्कुल यकीनी बनानी चाहिए। तो घट गिणती बहुत व्डा उत्तर जो खतरा महसूस करते किसी तालिबान वागू ना हो उसे कोई सिख रहे ना तो ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਨਿਆਰੀ ਵੱਖਰੀ ਅਡਰੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈ यूनियन ऑफ इंडिया है इसे बख बख स्टेटा है बख बख स्टेटा का बख बख कल्चर है। जब इदा का कोई फोर्स करा आप जिदा यूनिफाइड सिविल कोड के तौर के उड़िया रवायतों भी खत्म हो जाएंगे कल्चर भी खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों दावना भी जी इंजर हो गई। असं तो मुंडे ही एक क्वेश्चन आर भेजे से अभी तो रिप्लाई तो चिट्ठी भी लिखी है इन लागू ना किया जाए ये देखते हितों के देखो बेनती है एक नॉर्म होंगे एक कानून साढ़े तो मैं समझा पंजाब के मैं खास करके सिखा कहना चाहना कोई एक जो हल्ला करेंट हो गया यह समझ में तैयार भी हो एक्चुअली ये सोध के बीच जी उन्हें यह नवी सोध करके 200 ये जी अमेंडमेंट के रूप में पेश की कोई अधिकार नहीं हो आप सिख कह रहे जी भी यदा मसला जोड़ा आ पीटीसी का पीटीसी का मसला बाकी आ पर यह जोड़ा मसला आ ये तो खालसे पंथ के उस एक्ट की रूह में हथ पाया तो जे आप जी आप सुते रह गए फिर मुड़ के जड़ियाँ आन पीढ़ियाँ सानू भी पूछेंगे इस गल के उत्ते भी उस वेले जो प्रबंधक करता से उन्होंने की अपने जतन सारे जारी आ
प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू महाराज साढ़े सीनियर आगू आ, इन्हों ने भी हम विचार हुए थे, असि गवर्नर साहब ने भी मिले थे, उस तो बाद असि होगा माता भी पाया, पर पिछे हटिया ने उन्होंने गल तो भेज दते स्पीकर अपने गवर्नर ने, उदू बाद फिर असं होम मिनिस्टर साहब नहीं मिलेंगे। उदा का गवर्नर साहब ने भी चाहिए कि जी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक रवायत पैजू जोड़ा भी उठूगा जिन्होंने मर्जी सोल करके भेज दूंगा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पाकर बैठे आ उन्होंने सारे को मुलांकन कर लेना चाहिए, असं कल वाला मता भी अब भेज देना।